गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिविज़न वर्क ऑफ आवर सिलेबस. वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 1 ऑफ सिविक्स टेक्स्ट बुक विच इज़ ऑन इक्वालिटी. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट इक्वालिटी, व्हाट इट इज़, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी एंड वेदर और नॉट एवरी वन इज़ इक्वल इन इंडिया. इक्वालिटी क्या होती है? कैन एनीवन डिफाइन अबाउट इक्वालिटी? जब हमें बराबर के राइट्स मिलते हैं तो उस चीज़ को नाम दिया जाता है ऑन इक्वालिटी और इक्वल राइट्स. वी विल लर्न द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी बाय द स्टोरी ऑफ कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता हु आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स इन ए रो. वी मे सी इन दिस पिक्चर सम पर्सन्स आर स्टूड हेयर एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर टर्न टू कास्ट देयर वोट्स. सुजाता एंड हर फ्रेंड आर ऑल्सो स्टैंडिंग देयर. इन दीज पर्सन्स मनजीत कौर इज़ अ टीचर, तेजा सिंह इज़ अ ट्रेडर, गिरीश राव स्टूडेंट, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर, हर फ्रेंड सुजाता डोमेस्टिक वर्कर, अब्दुल रहमान आर्टिसंस एंड सो मैनी पर्सन्स आर स्टैंडिंग देयर. इन द नेक्स्ट पिक्चर वी मे सी द डिस्कशंस बिटवीन द सुजाता एंड हर फ्रेंड. दे आर डिस्कसिंग अबाउट द इक्वल राइट्स. इज़ नॉट इट गुड सुजाता दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. इवन जैन साहब इज़ स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस. तो वो उससे क्या कह रही है कि कितना अच्छा होता ना कि हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे खड़े हुए हैं, इवन जैन साहब जो है वो भी यहाँ पर खड़े हैं. देन हर फ्रेंड्स सेज यस, कहती हाँ हाँ बहुत अच्छा है. गॉन कांता, इट इज़ योर टर्न नाउ. तो वो उससे कहती है कि तुम्हारी बारी आ गई है. आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. और वो उसे रिप्लाई करती है कि मैं तो उसे वोट करूंगी जिसने हमारे यहाँ पर पानी सप्लाई के लिए जो है ना हमें प्रॉमिस किया हुआ है. आफ्टर वोटिंग इन द नेक्स्ट पिक्चर वी मे सी, वी विल सी यू लेटर कांता. यस नमस्ते साहब. जैन साहब इज़ गोइंग इन ए कार एंड ही सेज वी शिल सी यू लेटर कांता. सुजाता एंड हर फ्रेंड आर डिस्कसिंग अबाउट हर डॉटर. गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस. उसकी बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब है लेकिन वो कहती है कि मुझे पहले अपने साहब के घर पर काम पूरा करना है और फिर मैं उसे हॉस्पिटल लेकर के जाऊँगी और थोड़ा सा पैसा जो है वो भी एडवांस में लेने वाली हूँ. इन द नेक्स्ट पिक्चर Here, have some of this. You will feel better. And when I get back in the evening, we will go to the hospital, okay? She is asking to her daughter, कि इसे ले लो, इससे आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा और शाम को जब हम वापस आ जाएंगे, मैं काम से वापस आऊँगी तो आपको हॉस्पिटल लेकर के चलूँगी. Next picture, it is no wonder that Gudiya falls ill often. और कहते हैं गुड़िया जो है ना अक्सर बीमार होती रहती है बिकॉज द बस्ती इज़ नेवर क्लीन्ड. बस्ती के अंदर कोई साफ सफाई नहीं होती है. इन द नेक्स्ट पिक्चर वी मे सी कांता इज़ वर्किंग हिज जॉब. मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली. और उसकी मालकिन उसे क्या कहती है कि अच्छे से सफाई करो. हेयर इज़ योर एडवांस कांता बट डोंट मेक ए हैबिट ऑफ इट. कि ये लो तुमने कुछ पैसा मांगा था वो एडवांस दे रही हैं लेकिन इस चीज़ को अपनी आदत मत बना लेना कि रोज़ रोज़ तुम एडवांस मांगना शुरू कर दो. एंड शी सेज नो मैम. दैट इवनिंग जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, जैन साहब एंड मैडम मे स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक. कि जैन साहब और उनकी मैडम जो है वो भी वोट देने के लिए लाइन में खड़े हो सकते हैं लेकिन जब उनकी बेटी बीमार हो तो ऐसा नहीं होगा. लेकिन इसे वहाँ पर वोट के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इक्वल राइट टू वोट.
In a democratic country like India, adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, और whether they are rich or poor, are allowed to vote. चाहे वो किसी भी जाति के हैं, कितने भी पढ़े लिखे हैं और किसी भी अमीर या गरीब कैटेगरी से हैं, उन सबको वोटिंग राइट्स है. इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एंड इज एन असेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, और लोकतंत्र के लिए ये ज़रूरी भी है. This idea, universal adult franchise, is based on the idea equality, because it states that every adult in country, irrespective of their wealth and the communities she or he belongs to, has one vote. We may see in Hindi, sarvabhaumik vyasak mataadhikar, jise naam diya jata hai. All the peoples have right to do the वोटिंग, टू कास्ट देयर वोट्स. तो सभी को एक राइट्स है कि चाहे वो अमीर है या गरीब है, सभी को वोटिंग का राइट्स मिला हुआ है हमारे यहाँ पर. नेक्स्ट हेडिंग इज अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, और किस तरह की समानताएं हो सकती हैं. इन इंडिया द पीपल आर एक्सपीरियंसिंग इनइक्वलिटी इन डिफरेंट वेज. लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय द स्टोरीज. One of the more common forms of inequality in India is the caste system. एक सबसे बड़ा कारण जो है इसका वो क्या है, caste system का होना. We are discussing about a story of a Dalit boy, Om Prakash Valmiki. Om Prakash Valmiki is a famous Dalit writer. In his autobiography, Jhootan, he writes, I had to sit away from the others in the class and that too on the floor, कि उन्हें अलग बिठाया जाता था क्लास में से. The mat ran out before reaching the spot I sat on, और जब मैं बैठने लगता था तो वहाँ से मैट तक भी खिसका दिया जाता था. Sometimes I would have to sit way behind everybody, right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. तो कई बार तो उन्हें बिल्कुल आखिर में बिठाया जाता दरवाजे के पास, और कई बार उनकी पिटाई भी की जाती थी. When he was in class 4, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. तो उनका टीचर उन्हें क्या कहता है कि क्लास में नहीं बैठना, आज तुमने पूरे ग्राउंड की सफाई करनी है और स्कूल की सफाई करनी है. तो अगले कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा. एक दिन उनके फादर की नज़र अचानक से बढ़ती है कि उनके बेटे को क्लास में नहीं बिठाया जा रहा और उससे इस तरह का सफाई का काम करवाया जाता है. तो वो उसे पकड़ करके टीचर के पास ले जाते हैं और उसके साथ अच्छी बातचीत करते हैं कि आप जो तरीका अपना रहे हैं वो गलत है, और उन्हें कहते हैं कि आप एक टीचर हैं इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये आगे भी यहीं पर रहेगा, यहीं पर पढ़ेगा, और इसके जैसे और बच्चे भी आएंगे. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इन दिस, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी. इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हु आर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी. दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम. पैसा है उनके पास तो किराया देने की कोई नौबत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि किराया नहीं चुका पाएंगे. दे वेंट टू ए प्रॉपर्टी डीलर for help to find a place. The dealer informed them then that he knew about quite a few apartments that were available for rent. They visited the first apartment and the Ansari liked it very much and decided to take it. However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. कि वो ना किसी मीट खाने वाले को अपना मकान किराए पे नहीं देगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी नॉन वेजिटेरियन जो है वो नहीं है. वो उनके सिर्फ नाम की वजह से, कि वो किस सरनेम से हैं, किस कैटेगरी से हैं, तो शायद ऐसा मान लिया जाता है कि शायद ये लोग भी मांस खाने वाले होंगे. और ऐसा ही कुछ अगले मकान में भी होता है, वहाँ पर भी मकान देखने जाते हैं तो वहाँ पर भी उनके नाम को लेकर के इश्यू हो जाता है.
Finally, the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. कि आपको अपना नाम जो है ना, जब हम बातचीत करेंगे तो थोड़ा सा अलग सा करना, आप एक दूसरे को नाम से मत बोलना, मिस्टर एंड मिसेस कुमार के रूप में अपना आइडेंटिफाई करना. इन द एंड इट टुक ए होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट्स बिफोर दे फाउंड ए लैंड लेडी हु वॉज विलिंग टू गिव देम ए प्लेस ऑन रेंट. तो लगभग एक महीना निकल जाता है जब इनको कोई लेडी जो है मकान देने के लिए तैयार होती है. ओके स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.